है फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, चट्टी शहर के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, चट्टी शहर के फूल खिला है। सब लोग मिल के मुगली देख रहे हैं। कल से, कल फर्स्ट एपिसोड देखा, आज सेकंड एपिसोड देखेंगे। अभी आयान पूछ रहा था, हम जब छोटे थे तो हम कौन सा कार्टून देखते थे, तो हमने बोला हम लोग मुगली देखते थे, तो दोनों को देखना था तो इसलिए हमने लगा दिया है टीवी पे, तो दोनों मिल के देख रहे हैं कल से। और इनाय का यहाँ पे साइकिल का सेन गिर गया था, तो वही इनाय के पापा लगा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। एकदम टैलेंटेड आदमी है, सब कुछ आता है इसको। वॉल्यूम कम करो थोड़ा सा, पता नहीं रिमोट कहाँ है। इना के पास है, देखो इना के पाँव के पास। ये है मुगली, ये सेकंड एपिसोड है क्या? इतना बड़ा कैसा होता है? तुमने तो बढ़िया वाली मिलने का वादा किया था। अरे हाँ, याद आया, मैं तो भूल ही गया। आश्रय देखो, क्या मुझे पहले से कोई बोल रहा है? Assalamualaikum friends, welcome back to our friends Sabira Vlogs। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, और आप लोगों की दुआ के साथ हम सब भी ठीक हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चिकन, क्योंकि कुछ भी सब्जी नहीं है तो उनको लेने के लिए जाना है, थोड़ा सा ही चिकन है तो इसको मैं थोड़ा सा दाल के साथ आलू डाल के बना लूँगी, तो रात के लिए भी हो जाएगा दोनों ही, तो दोपहर के लिए मैं बना रही हूँ, नहीं तो रात को देखूँगी क्या बनाऊँगी, पर दोपहर के लिए मैं बनाऊँगी दाल चिकन। बच्चे देख रहे हैं मुगली। दाल चिकन के लिए मैं थोड़ा सा चिकन को फ्राई कर लेती हूँ, और फ्राई करने के लिए मैं थोड़ा सा ये तेजू मसाला है, कबाब मसाला, आपके पास जो भी कबाब मसाला है आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चिकन लिया है, 200 ग्राम ही होगा, तो मैंने यहाँ पे करीब 2 टेबल स्पून ये कबाब मसाला डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे फ्राई करने से थोड़ा ये कबाब का फ्लेवर आता है, और मैं जो भी मतलब करी ग्रेवी या फिर बनाती हूँ ना, सब में थोड़ा सा ये कबाब मसाला डाल के थोड़ा सा चिकन को मैं फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं करी नहीं तो ग्रेवी या फिर दाल बनाती हूँ। वैसे इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे, इसके बाद ऑयल में इसको फ्राई करके इसको दाल में बना लेंगे। थोड़ा सा ही हमें फ्राई करना है, बहुत फ्राई नहीं करना है, ताकि इसका स्मेल थोड़ा सा निकल जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने इस तरफ चिकन को फ्राई कर लिया है, और इस तरफ मैंने जिस ऑयल में चिकन फ्राई किया था, वेजिटेबल ऑयल ही लिया था, तो सेम ऑयल लिया है मैंने। तो तेल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, और साथ में तेज़ पत्ता, और एक प्याज डाल रही हूँ मैं मीडियम साइज़ का, बारीक कटी हुई प्याज को मैं अच्छे से भुनना है गोल्डन ब्राउन तक। तो 1 टीस्पून मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट को हम अच्छे से भून लेंगे। के लिए मैंने घर का पिसा हुआ मसाला लिया है, उस दिन मैंने पीस लिया था। इसमें है इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी मिर्च, लाल मिर्च सूखी, साबुत धनिया, साबुत जीरा, सौंफ, तेज़पत्ता, इलायची, दालचीनी, और मैंने डाला था थोड़ा सा काली मिर्च। बस इन सबको रोस्ट करके मैंने पाउडर कर लिया था, वही मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये ऐसा मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून करीब हल्दी, 1/2 टीस्पून मैं कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून करीब मैं ये एवरेस्ट का चिकन मसाला ले रही हूँ, तो इस मसाला को मैं थोड़ा सा पानी डाल के 1 टीस्पून पानी डाल के पेस्ट बना लूंगी एक स्मूथ सा। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है, तो मैं ये मसाला डाल रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया था। थोड़ा सा मसाला को भून लूंगी, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के टमाटर, चॉप कर लिया था मैंने,
टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को थोड़ा सा गला लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा शक्कर जो कि मैं डालती हूँ, इसमें खटास ना आए। तो देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो इसमें मैं अभी डाल रही हूँ ये फ्राई किए हुए चिकन को। तो इसके साथ मैं डालूंगी मसूर दाल। मैं मसूर दाल मैंने लिया है हाफ कप, तो इसको आधा घंटा पहले अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था, और दो मीडियम साइज के आलू जो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, तो इसी के साथ मैं ये डाल दूंगी। अभी पानी नहीं डालूंगी, थोड़ी देर इसको भून लूंगी अच्छे से। धीमी आंच पे हमें इसे 2 मिनट के लिए भूनना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से भून लिया है, तो थोड़ा मैं पानी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे करीब 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। आपको जितना थिक ग्रेवी चाहिए आप उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी और बहुत थिक भी नहीं करूँगी, मीडियम रखूँगी। तो इसको मैं 3 से 4 सीटी लगा लूँगी। तो यहाँ पे हमारा दाल चिकन बन के रेडी है। मैं थोड़ा सा ऊपर से धनिया डाल रही हूँ, हरे धनिया, और मिक्स करके दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसको आप रोटी के चार चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कल उनकी प्लेट में बच्चों को खाना दे रही हूँ मैं, देख सकते हैं। रात के लिए मैं बनाने वाली हूँ शाही चिकन कोरमा। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन। चिकन मैंने यहाँ पे करीब 100 ग्राम लिया है, और साथ में ले रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और साथ में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको करीब हमें 15 से 20 मिनट के लिए रखिए, या फिर आप चाहे तो 1 घंटा 2 घंटा के लिए भी रख सकते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे दही लिया था 3 टेबल स्पून। शाही चिकन कोरमा है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ घी, देसी घी। आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज लिया है 2 मीडियम साइज़ के, या इसमें लंबी लंबी स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है, देख सकते हैं। इसको हमें फ्राई कर लेना है जैसे हम लोग बिरयानी के लिए यूज़ करते हैं, बिरिस्टा बोलते हैं, तो ऐसे ही फ्राई करना है हमें इसे। तो हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो प्याज डाल दूंगी। एकदम क्रिस्पी हमें फ्राई करना है। तो इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूंगी, घर का पिसा हुआ। तो इसमें मैंने लिया था 2 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 सूखी मिर्च लिया है, सूखी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून करीब काली मिर्च लिया था साबुत, 3 से 4 इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 दालचीनी का टुकड़ा, और 1 थोड़ा सा जावित्री और थोड़ा सा स्टार एनिस। तो कोई इन सबको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, इसके बाद मैंने ठंडा करके मिक्सी में थोड़ा डरडरा पीस लिया था। आप चाहे तो इस मसाला को 1 महीने के लिए टाइट कंटेनर में पीस, थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में पीस के भी इसको स्टोर कर सकते हैं, पर मैं फ्रेश बना के ही बनाती हूँ। प्याज भून के हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। तो इसको ठंडा कर लेंगे। मैं ठंडा करने के लिए इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में 2 मिनट रख दीजिए, इसके बाद देखिए बहुत क्रिस्पी बन जाता है। मैं इस सेम घी में मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल दूँगी। थोड़ी देर के लिए चिकन को भून लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए फुल गैस में ही भूनेंगे। तो मैं मसाला के लिए थोड़ा सा ये काजू लिया है 2 से 3, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। आप चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं साथ में। ये पिसा हुआ मसाला मैं भर के 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, और साथ में ये फ्राई किए हुए प्याज जो ठंडा कर लिया था मैंने। तो इसे पीस लूँगी जब तक चिकन भूनता है। चिकन भून चुका है, देख सकते हैं।
तो मैंने ये मसाला भी पीस लिया है, तो ये डाल दूंगी मैं। पानी ऐड नहीं किया है मैंने, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा भी नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा शक्कर चुटकी, जैसे कि रिश्तों में खटास ना आए इसलिए मैं डालती हूँ। आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमें ढक के हमें इसे सिम में पकाना है, धीमी आंच पे इसे हमें करीब 20-25 मिनट्स के लिए पकाना है। तो 20 मिनट बाद देखिए हमारा शाही चिकन कोरमा बनके रेडी है। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। बीच में आप एक या दो बार सेक कर सकते हैं, अच्छे से पक गया है चिकन। देखिए तो इसी के साथ आज का व्लॉग्स एंड करेंगे। आप लोग को हमारा व्लॉग्स पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।